हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाइयों, आज हम मारुति के शोरूम में पहुंच चुके हैं। आपके सामने खड़ी हुई है गाइस सेलेरियो। सेलेरियो में आपको तीन वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, VXI, ZXI, ZXI प्लस, और लो वेरिएंट जो आता है इसका वो LXI आता है गाइस, जो आपका जो रहता है बिल्कुल बेस वेरियंट इसका। ये आता थर्ड वेरियंट, इसे आप मान सकते हो ZXI वेरियंट है गाइस। ये इसका हम रिव्यू करने वाले हैं, इसमें आपको क्या कुछ कंपनी प्रोवाइड कर रही है। चल देते हैं आगे गाइस, फ्रंट से इसका रिव्यू जो है वो शुरू कर लेते हैं। सेकेंड वेरियंट है गाइस, इसके ऊपर आपको ZXI प्लस मिलता है। यहाँ पर आगे हम बात करें तो आपको फुली रिफ्लेक्टर बेस हेडलाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। रिफ्लेक्टर बेस ही आपको इंडिकेटर दिए गए हैं। और यहाँ पर हम बात करें आगे तो आपको जो है इसकी स्माइली शेप आपको इसकी मिल जाती है। यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रोम का यूज़ कर रखा है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर लाइसेंस प्लेट के लिए जगह आपको इस तरफ दे रखी है। आगे आपको कोई फॉग लाइट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता, फुली आपको मैट में यहाँ पर आगे जो है रेडिएटर ग्रिल जो है मिलती है। यहाँ पर आपको बम्पर दिया गया जो बॉडी कलर मिलता है। नीचे हम बात करें तो यहाँ पर आपको कट वगैरह जो मिल जाते हैं गाइस। यहाँ पर आपको टोइंग हुक इसकी दे रखी है। साइड से हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है इसके टायर साइज़ की बात करें तो 165/70R 14 इंच के आपको स्टील रिम के साथ टायर मिलते हैं गाइस। यहाँ पर आपको व्हील कैप का ऑप्शन भी गाइस मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कवरिंग वगैरह मटके हिसाब से प्रॉपर आपको आगे जो मिल जाती है। यहाँ पर आपको RVM दिया गया है, ऊपर ही आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है। लोअर पार्ट आपको मैट में दिया गया है। ABC तीनों पिलर आपको जो है गाइस बॉडी कलर मिलते हैं। यहाँ पर बॉडी कलर ही आपको डोर हैंडल दे रखे हैं। मैनुअल की लगाने के लिए प्रोविजन आपको यहाँ पर जो मिल जाती है। नीचे आपको कोई भी साइड क्लैडिंग वगैरह इसमें नहीं मिलती, हालांकि पीछे टायर के यहाँ पर आपको जो है मड के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है मड फ्लैप जो है मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है एसेसरी के तौर पर जो है गाइस लगवाने पड़ेंगे। कोई भी आपको क्वार्टर पैनल वगैरह नहीं मिलता, और ऊपर आप देख सकते हो रूफ आपको जो है क्लीन, नीट एंड क्लीन मिलती है, और नॉर्मल वाला आपको दे रखा है इसमें रेडियो एंटीना। रियर से हम बात कर लेते हैं तो रियर से आप एक बार जो है इसका प्रोफाइल लुक देख सकते हो। नॉर्मल गाइज सिंपल सोबर सी गाड़ी जो है आपको मिलती है ये। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेजी गाइज टेल लाइट मिलती हैं। यहाँ पर आपको ब्रेक लाइट इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको रिवर्स लाइट का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर आपको वाइपर डिफॉगर मिल जाता है। यहाँ पर हम बात करें तो आपको दे रखा है इसका वॉशर, और हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको इस तरफ मिल जाता है। सेलेरियो की बैजिंग कर रखी है। यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और इस तरफ बूट ओपन करने के लिए लीवर आपको दे रखा है। यहाँ पर आप जब मारुति के शोरूम में विजिट करते हो तो सेलेरियो में आपको एक बात अच्छी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको जो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं वो आपको अच्छे तरीके से जो सीक्रेट तरीके से प्लेस कर रखे हैं मारुति ने। यहाँ पर आप देख सकते हो दो आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। लाइसेंस प्लेट के लिए जगह आपको दी गई है। बॉडी कलर आपको बम्पर मिलता है, और इस तरफ आपको जो है 32 लीटर का गैस इसका दिया गया फ्यूल टैंक। केवल पेट्रोल में आती है गैस ये, क्योंकि मारुति में आप केवल पेट्रोल ही आ रहा है, दूसरा डीजल इंजन ऑप्शन वगैरह आपको डिसकंटिन्यूड मिलते हैं गैस इसमें। बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की, खोल लेते हैं गैस। ऐसे ही आपको नॉर्मल जो है इसका हैंडल मिलता है। यहाँ पर मिलता है गैस आपको 313 लीटर का बूट स्पेस, काफ़ी डीप दिया गया गैस, और अच्छा खासा स्पेस के साथ आपको ये मिल रहा है। रियर वाली सीट आप 60-40 के हिसाब से जो है स्प्लिट आप नहीं कर सकते। कोई भी बूट लैंप वगैरह आपको नहीं मिलती। फिट एंड फिनिश आप देख सकते हो, अच्छी प्रॉपरिंग के साथ आपको ये मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेयर व्हील की। साइज आपको मिलता है 165/70R 14 इंच मिलता है। स्टैंडर्ड साइज मिलता है, कोई भी कॉस्ट कटिंग वगैरह आपको इसमें नहीं मिलती। यहाँ पर आपको जो दे रखा है इसकी पार्सल ट्रे। यहाँ पर हम बात करें तो कोई भी एक्स्ट्रा फीचर वगैरह आपको नहीं मिलता, इसको हम मैन्युअली जो है बंद जो है कर सकते हो आप। कहते हैं गाइस इंटीरियर में, उससे पहले आप की देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो रिमोट की मिलती है गाइस, दो आपको उसके ऊपर बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर अनलॉक लॉक और ऐसी आपको साउंड जो है मिलती है इसमें। इंटीरियर में चल लेते हैं, वहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है सेलेरियो ZXI में गाइस। इंटीरियर में गाइज आ चुके हैं, देख सकते हो। एक बात गाइज मुझे जो सेलेरियो में अच्छी लग रही है, मुझे पता नहीं फील हो रहा है गाइज, जब आप जाओगे तो आप फील कर देखना। यहाँ पर आप जैसे ही डोर बंद कर रहे हैं तो सेलेरियो के डोर मुझे जो है गाइज बारी फील हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो मुझे थोड़ी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जो है गाड़ी में लग रही है। एक बार इसका इग्निशन जो है गाइज वो ऑन कर लेते हैं। मैनुअल की लगाने के लिए प्रोविजन जो आपको मिलती है, यहाँ पर आपको जो है इसकी मैनुअल की लगाने के लिए यहाँ पर आपको दे रखा है इसका सिस्टम। ऐसा कुछ आपको स्पीडोमीटर मिलता है, और यहाँ पर आपको दिया गया इसका स्टीरियो सिस्टम। बात करें यहाँ पर तो आपको सिंगल टोन में इंटीरियर मिलता है ब्लैक कलर में फुली गाइस, और यहाँ पर डोर अनलॉक के हैंडल दे रखे हैं। यहाँ पर आपको जो है एक बंद करने के लिए डोर को यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाता है। नीचे आपको बॉटल होल्डर दे रखा है, थोड़ा सा स्पेस। इस तरफ हम बात करें तो आपको AC वेंट मिल जाता है, जो आपको देख सकते हो साटन फिनिश के साथ मिलता है गाइस। यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल और स्टार्ट स्टॉप का बटन, और इस तरफ आपको जो है ORVM को लेवल एडजस्ट करने के लिए दे रखा है, देख सकते हो। हालांकि इनको आप जो है फोल्ड अनफोल्ड मैनुअली करोगे गाइस, यहां से आप केवल इनको एडजस्ट कर सकते हो अंदर से। और यहां पर आपको की लगाने के लिए प्रोविजन मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको नॉर्मल मिलता है गाइस, कोई लेदर रैप वगैरह नहीं मिलता। इस तरफ आपको स्टीरियो सिस्टम के केवल कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है सुजुकी का लोगो, एयरबैग की बैजिंग। हॉर्न की बात करें तो सिंगल पी हॉर्न आपको मिलता है इसमें। स्पीडोमीटर आपको यहाँ पर दे रखा है, 180 तक आपको मार्किंग मिल जाती है स्पीडोमीटर में, 8 तक आपको दी गई टैकोमीटर में गाइस, क्योंकि ये पेट्रोल इंजन के साथ आपको मिलती है।
क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको ये शो करती है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नोब दी गई है, यहाँ पर आपको टाइम शो होता है गाइज, और उसके ऊपर आपको किलोमीटर शो होता है, ट्रिप ए ट्रिप बी किलोमीटर एवरेज शो होती है गाइज, और रेंज शो होती है कितना फ्यूल इस गाड़ी में बचा हुआ है और कितनी गाड़ी चलने वाली है, और यहाँ पर नीचे आपको फ्यूल शो होता है। इंजन की वार्निंग लाइट वगैरह जो आपको यहाँ पर मिलती रहती है सभी गाइज, फ्यूल की वार्निंग वगैरह, और ऊपर हम बात करें तो आपको फुली हार्ड प्लास्टिक मिलता है, और हालांकि थोड़ा सा डिज़ाइनदार आपको दिया गया है, देख सकते हो थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें आपको डाल रखा है, ऐसी नॉर्मल नहीं गाइस दे रखा है इसको। इस तरफ आपको जो है हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आप टिल्ट कर सकते हो गाइस, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। यहाँ पर आपको जो है सिंपल टू डिन वाला ऑडियो सेटअप मिलता है गाइस, इसमें आप ब्लूटूथ वगैरह चला सकते हो, ऑक्स वगैरह यूएसबी लगाने के लिए यहाँ पर आपको प्रोविज़न जो मिल जाती है, और यहाँ पर आप जो वॉल्यूम कम वगैरह अपना जो कर सकते हो, यहाँ से आप जो मोड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो गाइस। फ्यूल की लेवल वार्निंग वगैरह आपको जो सभी इसमें मिलती रहती है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको जो है पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड जो आपको मिलती है ऑटो डाउन के साथ मिलती है गाइस, देख सकते हो ऑटो आपके साथ जो आपको ड्राइवर विंडो जो है नहीं मिलती। यहाँ से आप जो इसको डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हो, हजार लाइट के कंट्रोल दे रखे हैं, और यहाँ पर आप जो है पावर विंडो को लॉक अनलॉक यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पर भी थोड़ा सा साटन का यूज़ कर रहा है। नीचे आपको एसी वेंट दिए गए हैं, यहाँ पर आप जो है डायरेक्शन वगैरह सेट कर सकते हो, डिफॉगर वगैरह एसी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, फैन स्पीड वगैरह, और यहाँ से आप कूल जो है कूल हॉट वगैरह यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको 12V का यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और नीचे फोन वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छी स्पेस दे रखी है। दो कप होल्डर, 5-speed मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन जो आपको मिल जाता है इसमें, और यहाँ पर आप सराउंडिंग एरिया देख रहे हो गाइस, साटन का बहुत अच्छा खासा यूज़ इन्होंने कर रखा है सलैरियों में। मैनुअली आपको हैंड ब्रेक मिलती है, और यहाँ पर आपको सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रोविजन जो मिल जाती है। और बात करें नीचे तो आपको तीनों पैडल मिल जाते हैं गाइस। सीट्स की बात करें तो वो आपको फैब्रिक में मिलती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री आपको जो है इसमें प्रोवाइड की गई है। ऊपर हम बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर सनशेड दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको पैसेंजर साइड मिल जाता है मिरर, ड्राइवर साइड आपको दे रखा है टिकट होल्डर, यहाँ पर आपको रूफ लाइट आपको यहाँ पर दे रखी है जो हेलोजन में मिलती है, और यहाँ पर आपको डे नाइट के हिसाब से मैनुअली एडजस्ट करने के लिए IRVM दे रखा है। एयरबैग की बैजिंग वगैरह आपको मिल जाती है, सेम पोर्शन वहाँ पर भी गाइस कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पर हम बात करें तो आपको जो ग्लव बॉक्स मिल जाता है, डॉक्यूमेंट रखने के हिसाब से बहुत अच्छा जो है इसमें स्पेस मिल जाता है, हालांकि आपको ये इल्यूमिनेटेड जो है नहीं मिलता। बात करें सीट की तो आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो लंबर स्पोर्ट वगैरह, और आगे पीछे जो आप मैनुअली इसके एडजस्ट कर सकते हो गाइस। हाइट की बात करें तो वो आप इसमें जो एडजस्ट जो है नहीं कर सकते गाइस। अब बात कर लेते हैं गाइस रियर की, रियर में चल लेते हैं और बताते हैं आपको रियर में क्या कुछ कंपनी आपको इसमें प्रोवाइड कर रही है। चलते हैं गाइस रियर में, यहाँ पर आपको नॉर्मल डोर हैंडल जो है वो मिल जाते हैं। रियर में आ चुके हैं गाइस, यहाँ पर आपको डोर अनलॉक के हैंडल जो साटन में मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको डोर बंद करने के लिए हैंडल दे रखा है। बॉटल होल्डर मिल जाता है, और स्पीकर की प्लेसमेंट आपको जो है मिल जाती है। ऊपर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है जो फिक्स मिलता है गाइस। आगे वाले सीट्स के दोनों हेडरेस्ट आपको फिक्स मिलते हैं, और पीछे भी गाइस दोनों हेडरेस्ट आपको फिक्स दिए गए हैं, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पर आपको सीट बेल्ट लगाने के लिए जो है ऑप्शन मिल जाता है। रियर में हम बात करें तो कोई भी एसी वेंट नहीं मिलता। यहाँ पर आपको रियर जो है पावर विंडो के कंट्रोल आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड किए गए हैं गाइस। यहाँ पर हम बात करें तो सीट्स की आप देख सकते हो पोजीशनिंग वगैरह, हालांकि आगे वाली सीट गाइस काफ़ी पीछे है मेरी हाइट के हिसाब से, तो आप फिर भी गाइस स्पेस देख सकते हो, बहुत अच्छा स्पेस है गाइस। थाई स्पोर्ट देख सकते हो आप, डिसेंट आपको थाई स्पोर्ट मिल रहा है। हेड स्पेस की बात कर लेते हैं तो देख सकते हो गाइस काफ़ी हाइटी गाड़ी है, तो हेड स्पेस की आपको कोई भी गाइस इसमें दिक्कत जो है नहीं होने वाली। ऐसा कुछ आगे से आपको जो है इंटीरियर इसका डैशबोर्ड लगता है गाइस देखने में। अब बात कर लेते हैं गाइस इंजन की, इंजन आपको इसमें कौन सा कंपनी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि ये है गाइस सलैरियो। तो चलते हैं इंजन की तरफ, वहाँ पर आपको बताते हैं इंजन की स्पेसिफिकेशन। बोनट ओपन करने के लिए लीवर आपको यहाँ पर मिल जाता है, हेडलैम्प लेवलर गाइस यहाँ पर आपको दिया गया, और चल लेते इंजन की तरफ। यहाँ पर मिलता है गाइस आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन, केवल पेट्रोल में आती है, और कोई भी आपको इंजन ऑप्शन वगैरह इसमें नहीं मिलता। पावर की बात करें तो 65 BHP और 89 Nm का टॉर्क आपको ये इंजन निकाल कर देता है, डिसेंट पावरफुल इंजन आपको मिलता है। यहाँ पर हम बात करें नीचे तो आपको अंडरबॉडी गार्ड जो नहीं मिलता, फिट एंड फिनिश आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है गाइस। और यहाँ पर आपको जो है इसकी ABS की यूनिट वगैरह मिल जाती है, बैटरी की प्लेसमेंट वगैरह आपको यहाँ पर दे रखी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको फिट एंड फिनिश जो मिलती है। इंसुलेशन आपको नहीं मिलती, हालांकि काफ़ी रिफाइंड गाड़ी जो आपको पेट्रोल इंजन है गाइस, काफ़ी रिफाइंड जो है मारुति का इंजन जो रहता है गाइस। मेन बात आती है गाइस डायमेंशन वगैरह की, डायमेंशन की बात करें तो कॉम्पैक्ट सी गाड़ी जो आपको ये मिलती है, 3695 mm की लेंथ मिलती है, 1655 mm की आपको वेड्थ दी गई है गाइस देख सकते हो, और 1555 mm की आपको हाइट मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, देख सकते हो
डिसेंट आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है दिया गया। मेन बात आती है प्राइस की, प्राइस जो है वो मेन कंसर्न रहता है इस गाड़ी के लिए और लोगों के लिए। मैं इस गाड़ी का प्राइस की बात करें तो एक्स शोरूम की बात करें तो 6,11,000 रुपये इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस मिलता है आपको। अगर हम ऑन रोड की बात करें तो करीब करीब 6,95,000 रुपये इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस मिलता है आपको। बाकी आपका प्राइस जो ऑन रोड प्राइस आएगा वो स्टेट और सिटी के हिसाब से वेरी कर सकता है। तो यही थी गाइस आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच। अगर गाइस मारुति की किसी भी गाड़ी के रिलेटेड आपकी क्वायरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में से लवली ऑटोस का नंबर आप जो ले सकते हो, अपनी क्वायरी जो है वो क्लियर कर सकते हो गाइस।